हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज की इस नई वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको दोस्तों, मैंने सोचा आज वीडियो बनाई जाए और आप लोगों को कुछ बातों से रूबरू कराया जाए, जो सच्चाई है उसको आपको दिखाया जाए, जो झूठ है उसको आपको बताया जाए। सारी बातें आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। आज की इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सारे इन्वर्टरों की पोल खुलने वाली है। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोग देखते रहिए। उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, मैं सारी वीडियो आप लोगों को देता रहता हूं स्क्रैप के बारे में, सोलर बैटरी के बारे में, इन्वर्टर बैटरी के बारे में, छोटी बैटरी, बड़ी बैटरी, सारा कुछ आपको टेक्निकल मदार यूट्यूब चैनल पर मिलता रहता है। तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बहुत सारी सही जानकारी और सही वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मदार को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर बहुत सारी कंपनियों के अलग अलग इन्वर्टर हैं और आपकी प्यार एंड सपोर्ट की वजह से यहाँ पर सिल्वर प्ले बटन भी हमें मिल चुका है, जो कि 1 लाख सब्सक्राइबर पर मिलता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने क्या करा है वो हम बताने वाले। हमने आज की इस वीडियो में दो बैटरी ली है। एक बैटरी लुमिनस कंपनी की 80 एम्पियर की है, जिसकी 5 साल रिप्लेसमेंट है। दूसरी बैटरी भी सेम है, 5 साल रिप्लेसमेंट में 80 एम्पियर बैटरी है। ये दोनों बैटरियों के बॉक्स हैं। इनका जो है बैटरी का पावर बहुत है, बैकअप बहुत है, लाइफ बहुत है और इसका जो है परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देखने को मिला है। और दोस्तों, 80 एम्पियर की है, 60 महीने की रिप्लेसमेंट है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ आज मैं क्या करने वाला हूँ। दोस्तों, मेरे पास है ईस्टमैन कंपनी का 24 वोल्ट इन्वर्टर, स्क्वायर वेव होम UPS, ईस्टमैन एनर्जी अनलिमिटेड। 36 मंथ की इसकी रिप्लेसमेंट है। सभी इन्वर्टरों की जो है वो 24 महीने की है, इस इन्वर्टर की मेरे पास 36 महीने की है। यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रो 1800 BA 24 वोल्ट में। यहाँ पर दोस्तों सबसे अच्छी बात जो लिखी है मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। यहाँ पर जो है पीक लोड, पीक आउटपुट लोड, आउटपुट पी लोड, PLPO, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो है ये बता रहा है कि 1800 BA लिखा है तो ये 1800 ही लोड उठाएगा, कम नहीं उठाएगा दोस्तों, ठीक है। ईस्टमैन का 24 वोल्ट, अभी हमने दोनों बैटरियों का कनेक्शन कर लिया है। हमने यहाँ पर बैटरी के बोल्ट अगर देखे तो 24, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर इन्वर्टर ऑफ है। अभी हमने इन्वर्टर को ऑन किया, यहाँ पर 24 वोल्ट जो है इन बैटरी जो है वो फुल चार्ज है। मतलब एक बैटरी के 12 वोल्ट, दूसरे बैटरी के 12 वोल्ट, तो ये 24 वोल्ट है। हम क्या करने वाले हैं, हमने इन्वर्टर के जो पीछे है इस वाले बोर्ड का जो है यहाँ पर प्लग लगा लिया है और इस वाले बोर्ड में लाइट आ रही है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक प्रेस जो हमारे पास है, कितने लोड की है दोस्तों, ये आपको 1 ईयर की वारंटी है, 1200 वाट। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत आसानी से यहाँ पर लिखा हुआ है, एक जो प्रेस हमारे पास है वो 1200 वाट की है। मतलब दो प्रेस 2400 वाट लोड ये क्या उठा पाएगा या नहीं, सारी बातें आज की वीडियो में दिखाने वाला हूँ, बताने हूँ आपको। पता कैसे चलेगा, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने एक एम्पियर मीटर लगाया है 40 एम्पियर का, जो कि अर्जेंट में लगा लिया है। हमें मालूम नहीं कि इसका लोड कितना हो सकता है, तो हम यहाँ इन्वर्टर को ऑफ किया, हमने यहाँ इन्वर्टर को ऑन किया। अभी कोई भी लोड नहीं है इस पर। हम इस वाली प्रेस को, हमने सारा कनेक्शन ऑन है, बस यहाँ पर जो है इसे ऑफ वाले, इस वाले ऑप्शन से हटाना है और इसको थोड़ा सा यहाँ पर लाना है नायलॉन पे। हम इस पर नायलॉन पे लाते हैं। दोस्तों, हमने जैसे ही नायलॉन पे लाए, यहाँ पर जो है बैटरी के जो बोल्ट बचे हैं वो 21 बचे हैं, 22.2 वोल्ट बचे, ठीक है। यहाँ पर जो है आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे मीटर जो है कहाँ पे। उसके बाद हम दोस्तों आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर 21 वोल्ट है, ठीक है, 21.8, और यहाँ पर जो है स्विच। अब हम दूसरी भी तुरंत लगा लेते हैं और आपको दिखा देते हैं इसका भी कि क्या है इसका। ये वाली जो है प्रेस ऑन है, ऑफ हो गई, कट मार दिया इस वाली प्रेस ने। हम इस वाली को लगा लेते हैं दोस्तों, बिल्कुल वीडियो आप लोग देखते रहिए, अच्छी लगे तो जरूर लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। हमने इस वाली प्रेस को ऑन किया, ये वाली ऑफ हो गई, ये वाली ऑन है, 1200 वाट लोड ऑन है। देखते हैं ये वाली कितनी देर में ऑन होती है, हम इसको एक बार ऑफ ऑन कर लेते हैं। ये दोनों प्रेसों ने इस टाइम कट मार दिया है, ठीक है दोस्तों। मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ, ये बार इसको हम ऑफ करके ऑन करते हैं। ये वाली प्रेस ऑन है, ये वाली अभी भी जो है ये दोनों ऑफ हो गई। मतलब लोड जो है वो ओवरलोड या लो बैटरी बताने लगा। यहाँ पर दोस्तों लो बैटरी का ऑप्शन आ गया, ओवरलोड का ऑप्शन इसमें नहीं आया, लो बैटरी का ऑप्शन आया। एक बार इसको हम बंद करके फिर ऑन करते हैं। तो दोस्तों ये वाली हमारी प्रेस नहीं चल रही है और ये वाली हमारी प्रेस चल रही है, जो कि ज़्यादा लोड 1200 वाट लोड समथिंग उठा रही है। यहाँ पर जो है ये दोनों प्रेसों ने इस टाइम कट मार दिया। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दिखा देना चाहता हूँ कि ये 2400 वाट लोड है। मतलब एक प्रेस का 1200 वाट लोड है। अगर ये लोड होता 2000 वाट
तो मुझे पूरा उम्मीद है कि ये इन्वर्टर उठा लेता 1800 VA का। मैं होता क्या है कि मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूँ। जैसे कि ये अमेज का है या किसी भी कंपनी का मान लेते हैं, ये अमेज का AQ 700+ है। तो 700+ का मतलब ये है कि 700+ में से ये 30% डिस्काउंट करके 30% जो है यहाँ से आप कम करोगे तो ये 520 वाट या 500 के समथिंग रहेगा जो ये लोड उठाएगा 500 वाट। ये 700 वाला 500 वाट। उसके बाद दोस्तों ये 725 वाला ये 550 वाट के समथिंग। ये ईस्टमैन कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो पूरा लोड देती है, 900 वाट लिखा है तो पूरा 900 वाट उठाएगा ये। वैसे तो ये 700 650 होता है लेकिन 900 वाट हुआ तो 900 वाट लोड उठाएगा। इसलिए मुझे भरोसा है कि ये पूरा जो है वो 2000 वाट लोड उठा लेगा। अब मैं इसके आप सिस्टम का रेट बता देता हूँ कितने का पड़ेगा सारा कुछ दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में जो बैटरी है उसकी कीमत 8800 रुपये, 17600 रुपये की जो है वो बैटरी हो गई और 7500 रुपये का इन्वर्टर। तो ये आप जोड़ सकते हो कितने का पड़ेगा, सारी बातें आपको बता दी हैं। लोड जो है 2 kW पूरा उठाएगा, समर सेबल, फ्रीज, कूलर, मोटर, मिक्सी, सारा कुछ आप घर का सारा लोड चला सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना। इस पर आप आराम से सारा लोड चला सकते हो और इन्वर्टर बहुत अच्छा है। और कंपनियों का मुझे नहीं पता, मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं करना चाहता लेकिन ये इन्वर्टर बढ़िया है, तारीफ के लायक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप जरूर खरीदें हमारी तरफ से। बाकी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।